हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो गाइस बात करेंगे टिकटॉक को लेके। तो गाइस बहुत सारी कंपनियां इंटरेस्टेड दिखा रही थी टिकटॉक को खरीदने के अंदर, और उसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर, आईफोन ने, एप्पल ने तो अपने हाथ ऊपर कर दिए, बट माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर अभी भी रेस में लगे हुए हैं। तो गाइस उसके अंदर एक जियो कंपनी भी है जो कि इंटरेस्ट दिखा रही है शायद थोड़ा थोड़ा। बहुत सी ऐसी खबरें आ रही है कि जियो वाला अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकता है टिकटॉक के अंदर और खरीद सकता है टिकटॉक को। तो गाइस ऐसा होता है नहीं, पता नहीं, बट खबरें तो यही आ रही है। और कभी ऐसा हो गया जियो वाले ने खरीद डाला टिकटॉक को, तो गाइस इंडिया के अंदर टिकटॉक वापस आ जाएगा। बट गाइस ये बात पक्की है, अगर टिकटॉक इंडिया के अंदर वापस आता है तो वो सारे इश्यूज क्लियर करने के बाद ही आएगा, जो कि उसके जो प्रॉब्लम्स चल रहे थे इंडिया के साथ, जो सेफ्टी को लेके, जो प्राइवेसी को लेके जो सामने आ रहे थे इश्यूज, उसके बाद ही वो इंडिया के अंदर आएगा। बट देखने ही है कि इंडिया के अंदर ये वापस आता है या नहीं आता है। जियो और टिकटॉक के बीच में कुछ 5 मिलियन की डील की बातें सामने आ रही है, बट ये कंफर्म है या नहीं है पता नहीं। और बहुत सारी ऐसी खबरें सामने आ रही है कि जियो वाला खरीद सकता है टिकटॉक को। गाइस अगर टिकटॉक खरीद गया जियो वाले के हाथ, तो गाइस इंडिया के अंदर टिकटॉक वापस आ जाएगा ऑब्वियसली। वो बात अलग है, इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे, नाम भी चेंज हो सकता है और बहुत सारे इश्यूज़ जो कंटेंट है वो भी चेंज हो सकते हैं। पर देखना है कि इंडिया के अंदर आता है या नहीं आता है, टिकटॉक को खरीदता है जियो वाला या नहीं, आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताना। और वीडियो पसंद आ गई तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।